केले का पेड़ एक देविक पौधा है, इसमें सरस्वती और नारायण जी का वास होता है। कहते हैं यदि केले के पौधे के पास तुलसी का पौधा लगाया जाए तो उसमें नारायण और लक्ष्मी का वास होता है। बृहस्पति देव को खुश करने के लिए बृहस्पति मंत्र का जाप करें। केले के पेड़ की पूजा बृहस्पतिवार को होती है। इसकी पूजा के लिए पौधे में पवित्र जल दें, फिर उसमें हल्दी का तिलक लगाएं, गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं, फिर उसकी पूजा करें। मौली से 7 परिक्रमा करें। केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं, फिर बृहस्पति देव जी की आरती करें, फिर केले की आरती उतारें। भारतीय पुराणों के अनुसार केले के पेड़ का बहुत महत्व है। जैसे केले का पौधा एक औषधीय पौधा है, यदि इसे घर के ईशान कोण में लगाए तो आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। केले के पेड़ के पत्तों का मंडप बनाया जाता है, इससे विवाह होती है, पूजा व हवन होता है, इससे नारायण बहुत खुश होते हैं। कहते हैं केले के पेड़ में बृहस्पति देव, लक्ष्मी, नारायण, हरि का वास होता है, इसलिए इन्हें खुश करने के लिए केले की पेड़ की पूजा होती है। केले के पेड़ के पत्ते बहुत लाभकारी और पवित्र होते हैं, इन्हें पूजा में इस्तेमाल करते हैं, इसमें खाना खाया जाता है, इन पत्तों में भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाता है। कहते हैं इन पत्तों में खाना खाने से पेट की बीमारी खत्म हो जाती है। केले के पत्तों में प्रसाद रखकर बृहस्पति देव को चढ़ाने से वह बहुत खुश होते हैं। केले के पेड़ को घर में लगाने से आर्थिक तंगी दूर होती है, संतान पक्ष को लाभ होता है। केले के पेड़ की जड़ को पीले धागे में बांधकर पहनने से धन लाभ होता है। केले की पेड़ की पूजा पीले कपड़े पहनकर करनी चाहिए। पूजा के बाद केले के पेड़ पर केले का प्रसाद लगाओ। कहते हैं कि केले का प्रसाद बृहस्पति देव को बहुत पसंद है, नारायण और लक्ष्मी को भी बहुत पसंद है। केले का पौधा यदि आप लगाओ तो ध्यान रखना, शुक्र पक्ष बृहस्पतिवार को लगाना चाहिए और इन्हें प्रातः काल में नहा धोकर पीले कपड़े पहनकर शुद्ध मिट्टी में ईशान कोण में लगाना चाहिए। इस पौधे में नियमित रूप से पानी देना चाहिए, पौधा सूखना नहीं चाहिए। यह पूजा का पेड़ है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इसके आसपास नाली या शौचालय ना हो, कोई जूते चप्पल इसके पास ना रखो, कोई झाड़ू ना रखो, जूठे हाथ ना लगाओ। इसकी पूजा करके नारायण का जाप करो। केले की पूजन से बृहस्पति देव खुश होंगे और बृहस्पति मजबूत बनेगा। केले के पूजन से शादीशुदा जिंदगी हो जाएगी खुशहाल, सुधरने लगेगा आपका बृहस्पति। कमजोर है अगर बृहस्पति, मजबूत हो जाएगा और जीवन में हर ओर से कार्य में सफलता मिलेगी। केले की जड़ पुखराज रतन का कार्य करती है। पुखराज रतन बहुत महंगा है, इसे प्रत्येक मनुष्य नहीं खरीद सकता। केले की जड़ को धारण करने के लिए बुधवार को उसमें सवच और मीठा पानी दे। इस जल से मिट्टी नरम हो जाएगी और वीरवार को नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करके जल को निकाल ले। फिर साफ सुथरे पानी में धोकर गंगा जल में भिगो दे। केले की जड़ निकालने के बाद जड़ को बिल्कुल साफ कर ले, जिस कारण वह चुभे नहीं। फिर जड़ को सोने के ताबीज में या चांदी के ताबीज में पहन ले। यदि यह ताबीज उपलब्ध ना हो तो पीले कपड़े में बांध कर या गले में धारण करें या सीधे हाथ की बाजू में धारण करें। याद रहे यह कार्य शुक्र पक्ष बृहस्पतिवार को करें और फिर इसको धारण करने के बाद 51 रुपए के बेसन के लड्डू खरीदें। उनमें 2 लड्डू केले के पेड़ में, 2 लड्डू पीली गाय को खिलाएं, शेष लड्डू का प्रसाद खा लें। इससे बृहस्पति देव खुश हो जाएंगे। यह सब करने से मन की मुराद पूरी हो जाएगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, निपुत्र को पुत्र मिलेगा, निर्धन को धन मिलेगा। बृहस्पति देव सब देवों के गुरु हैं और बहुत जल्दी भक्त पर प्रसन्न होते हैं जो इनकी पूजा करता है। अधिक से अधिक 21 दिन में मुराद पूरी कर देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।